नमस्कार, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज 24 में। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज संगम नगरी में, जहां पर इस वक्त तंबुओं की नगरी बसी हुई है और 2 महीने यहां पर कल्पवासी सहित दूर दराज के दर्शनार्थी, संत महात्मा और तमाम तरह के पर्यटक यहां पर अपनी उपस्थिति 2 महीने दर्ज कराएंगे। तो इस वक्त हम जो है प्रयागराज के संगम नगरी में जो है मौजूद हैं। तो एक स्नान पर्व तो बीत ही चुका है, जैसा आपको पता होगा कि मकर संक्रांति का जो पर्व है वो 14 जनवरी को, पिछले 14 जनवरी को बीत चुका है। तो अभी माघ मेले का जो दूसरा स्नान पर्व है मौनी अमावस्या, जो कि 1 फरवरी 2022 को जो है पड़ेगा, उसके उपलक्ष्य में तैयारियां यहां पर जोरों पर चल रही हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु जो है श्रद्धालुओं की आने की जो है संभावना है। जैसा कि बहुत अगर हम बात करें तो दूर दराज से जो लोग आते हैं तो उनकी कुल मिला के जनसंख्या 3 से 4 लाख या 10 से 12 लाख के आंकड़े में जो है श्रद्धालु यहां पर उपस्थित होते हैं। तो उसके उपलक्ष्य में जो मौनी अमावस्या का जो स्नान पर्व 1 फरवरी को है, तो उसके उपलक्ष्य में यहां पर तैयारियां जोरों पर चल रही है। कैमरा मैन से कहेंगे दिखाएं एक बार, ये घास फूस है तो इसको जो है घाट के किनारे किनारे पर लगाया जाता है, वो इसलिए कि जो श्रद्धालु हैं जो गंगा में स्नान करते हैं, जो डुबकी लगाते हैं गंगा में, उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके पैर में किसी भी तरह का कोई कीचड़ वगैरह ना हो। और एक प्रकार से ये जो घास फूस है तो कहीं ना कहीं ये ठंड को भी जो है एक प्रकार से रोकने में सहायक होता है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर तैयारियाँ, जो मेला प्रशासन है अपनी तैयारियों को लेकर बहुत ज़्यादा सजग है। और जो यहाँ प्रयागराज में प्रशासनिक जो है, अगर प्रशासनिक सुविधाओं की बात करें तो प्रशासन अपनी जगह पर पूरी तरह से अलर्ट है और अपनी निरंतर सेवाएं दे रहा है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही प्रयागराज जिलाधिकारी जो है संजय कुमार खत्री जी यहां पर मेले का अवलोकन करने आए थे और देखने आए थे कि जो यहां पर श्रद्धालु उपस्थित हैं या जो आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अभी ही उन्होंने अवलोकन करके जो है यहां का जायज़ा लिया। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो है निरंतर श्रद्धालुओं की, स्नान आरतियों की भीड़ जो है आपको दिख रही है और हम दिखा भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान में डुबकी लगा रहे हैं। और जब अभी ऐसे ही जो है यहाँ पर स्नार्थी और श्रद्धालु मौजूद हैं तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि 1 फरवरी 2022 को जो मौनी अमावस्या का पर्व है, स्नान पर्व है, तो उस समय कितने ज़्यादा से ज़्यादा स्नानार्थी और श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद होंगे, तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं। तो हमारा जो आंकड़ा है तो कम से कम 10 से 12 लाख या 14 लाख के बीच में यहाँ पर जो है श्रद्धालु मौजूद होते हैं। तो ऐसे में जो है हम आपको निरंतर अवलोकन करवाते रहेंगे कि जो प्रयागराज की संगम नगरी पर जो यहाँ पर तंबुओं की नगरी बसी हुई है, तो जो दूर दराज से चलकर यहाँ पे जो कल्पवासी हैं और दर्शनार्थी हैं, स्नानार्थी हैं और संत महात्मा जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनको लेकर प्रशासन अपनी तरफ से किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ रहा है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सजग है, सतर्क है कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना होने पाए और जो संदिग्ध व्यक्ति है उसकी निरंतर जाँच हो रही है। और प्रशासन की जो मुस्तैदी है कहीं ना कहीं जो है अपनी जगह पर बहुत ही चुस्त और दुरुस्त है। तो मेले का अवलोकन हम आपको करवाते हैं, जो यहाँ पर माघ मेला है। इस समय हम मौजूद हैं त्रिवेणी संगम पर, जहाँ पर जो है संगम क्षेत्र है। मैं आपसे बता कि जो है मौनी अमावस्या जो 1 फरवरी को है, तो उस समय तो स्नानार्थियों और दर्शनार्थियों की भीड़ तो लगेगी, जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ तो लगेगी ही। उससे पहले भी अब जब तक माघ मेला चल रहा है, मान लीजिए कि दो महीने निरंतर जो है माघ मेला चलेगा, तो वैसे भी दूर दराज से जो है स्नानार्थी और श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं गंगा मैया के पास जो है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के संगम तट है। और ये आप देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर में लदा हुआ रेत है, जो कि 1 फरवरी जो मौनी अमावस्या का दिन है, दूसरा स्नान पर्व होगा माघ मेले का, उसके उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर तैयारियाँ जोरों पर चल रही हैं। और ये जो है रेत से यहाँ पर जो किनारा है, जो घाट है गंगा स्नान का, तो उसको दुरुस्त किया जा रहा है कि जो स्नानार्थी हैं, दर्शनार्थी हैं, उनको स्नान करने के बाद किसी भी तरह कोई दिक्कत ना हो। और अभी हमने दिखाया कि घास फूस जो है वो किस लिए रखी गई है, तो भी हम एक बार कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा दिखाए जो है कि यहाँ पर जो घास फूस है वो किस काम आती है, किस लिए जो है
इसका ढेर जो वहाँ पर आप देखे हैं रखा गया है वो किस लिए रखा गया है, तो आप देख ही सकते हैं कि ये जो घास फूस का एक चादर है, हम कहें तो रेत में गंगा के जो किनारे बिछाया जाता है, वो कहीं ना कहीं इसलिए है कि जो स्नानार्थी स्नान करने के बाद बाहर निकले तो उनके पैर में मिट्टी ना हो और दलदल ना हो और रेत ना लगा हो। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो ये घास फूस आप देख रहे हैं तो एक प्रकार से ये ठंड को भी रोकने में थोड़ी सी सहायक होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है इसको रखी जाती है, यहाँ पर लगाया जाता है किनारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बालू गिरा कर जो है घाट को दुरुस्त किया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जो दूर दराज से लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं, तो उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं कि मेले में किस तरह से जो है लोग उत्साहित होकर और अपने आप को जो है, ये एक प्रकार से हम बात करें तो मेला प्रशासन की मुस्तैदी है, मेला प्रशासन की जो मुस्तैदी और साथ साथ में जो प्रयागराज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार जी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी एक अच्छी पहल रही है मेले को लेकर कि यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग आते हैं तो अपने आप को जो है बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो मैं जो है आपको निरंतर ऐसे अवलोकन करवाता रहूँगा। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये जो है शायद स्नान करने या तो फिर देखने आए हैं, यहाँ पर अवलोकन करने आए हैं कि जो है कि संगम क्षेत्र जो है, ये संगम क्षेत्र अपने आप में एक बहुत ही बड़ी प्रसिद्धि रखता है। लोकल की बात छोड़कर अगर हम बात करें तो दूर दराज से और अन्यत्र ज़िलों से, अन्यत्र राज्यों से, और ये अगर बात कहें तो अंतर्राष्ट्रीय लोग भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, अपनी उपस्थिति जो है दर्ज कराते हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, तो एक बार हम कैमरामैन से कहेंगे इधर आए, तो इधर से हम बात करेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा। और ये हमारे साथ लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हैं, इनसे भी हम जो है आपको रूबरू करवाएंगे और इनसे पूछेंगे, आप लोग रुकिएगा एक मिनट। तो ये हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम पूछेंगे कि मेला जो है माघ मेला चल रहा है तो उसको लेकर प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है और किस तरह से अलर्ट है, कोई भी दिक्कत। आप कहाँ से आए हैं? बस्ती जिले से हैं सर। बस्ती जिले से स्नान करने आए हैं या मेले का अवलोकन करने आए हैं? सर दोनों करने आए हैं। वैसे हमें लग रहा है प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है यहाँ पे, जी जी, इससे हम बहुत ही खुश हैं और मेला में घूमने में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। और अभी नहाए नहीं है लेकिन नहाने वाले हैं, स्नान करने जा रहे हैं। जी अच्छा ठीक है जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासनिक सेवाएं यहाँ पर कैसी हैं? बहुत ही अच्छी हैं, जगह जगह पर टॉयलेट हैं और फ्रेश होने का अच्छा जगह है, नहाने के लिए बढ़िया बढ़िया घाट बनाए गए हैं और प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा ये अच्छे अच्छे घास वगैरह यहाँ पे हैं, व्यवस्था अच्छी है। हाँ बराबर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम असलम खान है, मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ तैयारी करता हूँ इलाहाबाद में। जी वैसे माने तो प्रशासन यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी की है, लेकिन कुछ जैसे मान सकते हैं कुछ असुविधाएं ऐसे देखी जा रही हैं कि जैसे लेडीज़ आती हैं तो उनको थोड़ा नहाने में प्रॉब्लम होता है, ये सब प्रशासन के लिए को इसके बारे में देखना चाहिए। और ऐसा देखिए कि जैसे हमारे देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है तो इससे लेके हमें प्रशासन को अलर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए पर डे 3 लाख से अबव केसेस आ रहे हैं, तो इससे लेके आप देख सकते हैं कि कोई भी मास्क नहीं लगाया, हम खुद ही नहीं लगाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो वही बात तो मैं पूछने वाला था आपसे, तो मास्क है मेरे पास बट एक्चुअली, लेकिन लगाया क्यों नहीं आपने? बस थोड़ा जैसे होता नहीं है, थोड़ा वातावरण देखने के। और असलम जी अभी जो बात आपने कही कि महिलाओं को लेकर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बातों का जवाब देंगे, और जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ और बहुत सारे लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं वो भी देख रहे हैं, जो बात आपने कही कि महिलाओं को लेकर यहाँ पर प्रशासनिक लापरवाही जो है नज़र आ रही है, तो मैं एक बार आपको अवलोकन करवा दूँ। भाई साहब थोड़ा सा जगह दें, ये आप कैंप देख रहे हैं, आप एक मिनट ये कैंप देख रहे हैं किस लिए बनाए गए हैं, इस पर आप पढ़ सकते हैं। एक मिनट आप पढ़ने का काम करें, उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए पहले। हाँ देख रहे हैं आप, सुनिए तो एक मिनट आप सुनेंगे हमें। उसमें लिखा हुआ है महिलाओं के वस्त्र बदलने का स्थान, अब महिलाएं अगर खुद खुले में जो है वस्त्र बदलें तो उसमें प्रशासन तो वस्त्र बदलने नहीं आएगा, उसके लिए रोक लगाना चाहिए ना। आप ये देखिए, इसके लिए ये होता है कि जैसे इसके लिए एक कैंप बनाया जाए कि महिलाओं के लिए अलग घाट स्नान बनाया जाए कि वहाँ पे केवल महिलाएं जा सकती हूँ। अब यहाँ पे पुरुष भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, तो ये थोड़ा ये देखने ये लापरवाही है, आप मान सकते हैं नहीं इसके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए अलग बनाना चाहिए कि महिलाएं उस घाट पे जाएं, वहाँ पर पुरुष के लिए वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाए, क्योंकि महिलाएं केवल रहें वहाँ पर अपने अच्छे तरीके से स्नान करें। आप देख रहे होंगे महिला पुरुष सब हैं। थोड़ा सा दूरी बनाकर रहिएगा कृपा करके, दूर मास्क लगा लीजिए, सब लोग मास्क लगा लीजिए, जिसके पास मास्क हो मास्क लगा लीजिए, आप लोग मास्क लगा लीजिए और आइए।
चलिए हम बात करते हैं। कमियां ये प्रशासन की नहीं है, ये कमियां प्रशासन की नहीं, ये चीजें परंपरा से चली आई हैं कि हर घाट में पुरुष और महिला एक साथ नहाते हैं, मगर जो है जो चीज़ें परंपरा से आई हैं उसे कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट जो पहले से करते चले आए हैं वही अब भी करेंगे, सुधार की ज़रूरत है। ये हमारी सलाह है, कमी नहीं सलाह है। अगर अलग अलग घाट बना दिया जाए तो महिलाएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र। जी शुभ नाम। ओके, मेरा नाम मुश्ताक अली है, मैं लोकल इलाहाबाद का निवासी हूँ, फूलपुर के पास से। उस्ताद जी, अगर हम बात करें तो एक मतलब जो बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं, तो आपसे मैं बात करूं तो जैसा कि कुछ कमियां अपनी भी होती हैं। जी जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जगह 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 पर जो है कैंप बनाए गए हैं महिलाओं को जो वस्त्र बदलने के लिए। जी जी। तो इस कमी को कहीं ना कहीं हम लोग भी जो है अगर अपनी भागीदारी समझे तो हमें भी दूर करने का अधिकार है, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम लोग भी जो है प्रशासन का सहयोग करें। अगर प्रशासन ने कैंप बनवाया है तो हम ऐसा जो है मौका ना दें, हम जो है जो प्रशासन के द्वारा कैंप उपलब्ध कराया गया है, जो बकेट बनाए गए हैं, तो उसमें जाकर जो है हम वस्त्र जो है बदलने का काम करें। और अगर आप जो है अगर ये सारी चीज़ें ये सारी व्यवस्थाएं हमारे सामने ना हो तब जो है हम प्रशासन को दोष दे सकते हैं। नहीं, नहीं, क्योंकि प्रशासन ने अपना पूरा दायित्व तो निभाया है। जी, जी। और अपने पूरे जो है कर्तव्यों का जो निष्ठापूर्वक जो है निर्वहन किया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी और आपकी गलती है। हाँ। कि हम लोग जैसा कि अभी COVID-19 चल रहा है तो उसके उपलक्ष्य में भी सरकार ने जो है गाइडलाइन जारी किया, मेला प्रशासन के द्वारा भी गाइडलाइन जारी किया गया है, और उसको लेकर मेला प्रशासन भी अलर्ट है, प्रशासनिक विभाग भी अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग भी प्रयागराज का जो है वो अलर्ट है। प्रयागराज जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री जी निरंतर जो है लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं COVID-19 को लेकर जो है सतर्क कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी और आपकी भी गलती है कि हम लोग जो है जागरूक हों और नियमों का पालन करें। अच्छा, ऐसा लग रहा है मतलब कि यहाँ पे कोरोना अगर आएगा तो नहीं फैलेगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपको देखने के बाद। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं इतना भीड़ होगा, इतना लोग जमा होंगे तो गलतियाँ करेंगे तो कोरोना तो होगा ना। तो बताइए, एक मिनट, उससे पहले भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ पर, आपने गौर नहीं किया होगा तो मेले प्रांगण में एंट्री से पहले जो है सैनिटाइजर और मास्क की जो है व्यवस्था की गई है। तो ये आपका और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले हम अपने आप को वहाँ पर सैनिटाइज करें और मास्क लेकर जो है मेले में प्रवेश करें। क्यों असलम जी? जी जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम गलत कह रहे हैं? नहीं नहीं, आप सही, आपने जो कहा वो सही है, लेकिन ये हमारी और आपकी गलती है ना। इसको जो है हम लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? ये तो सही है, हम लोग भी सुधार करें, लेकिन जब ज़्यादा भीड़ होगी तो जरूरी है, जब जहाँ भीड़ होगी वहीं कोरोना बढ़ेगा। जी भीड़ होगी तो भीड़ के लिए भी मैंने पहले भी बताया आपको, फिर भी बता रहा हूँ कि प्रशासन ने जो है सुनिश्चित व्यवस्थाएं यहाँ पर कर रखी हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी उस पर अमल करना चाहिए। जी, 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 कि समूह में ना चले, थोड़ा दूर दराज दूर होकर जो है चले और मास्क जो है इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ये सारी चीजें जो है हमें भी गलती आना चाहिए। लेकिन देखिए, चलिए ठीक है, अगर मेला की बात करें तो मेला कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत? जो यहाँ पर भारतीय संस्कृति अपनी है और यहाँ पर अलग अलग भारतीय संस्कृतियाँ जो यहाँ पर नजर आ रही हैं उसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं, तो उससे क्या अनुभूति होती है, क्या लगता है आपको, कितना अच्छा लगता है? हमें गर्व होता है भाई, हमारी अपनी पुरानी परंपरा पे गर्व होता है। ये संगम जो है इलाहाबाद हरिद्वार चार जगह जो मेले लगते हैं कुंभ के, अब हमारे इलाहाबाद में लगा है, इसमें हमें फ़ख्र होता है। और हम लोग तो पैदाइश इलाहाबाद के हैं, तो हमें फ़ख्र की बात है कि यहाँ दूर दराज से नेशनल नहीं इंटरनेशनल लोग आते हैं, यहाँ पे स्नान करते, अपनी सारी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, ये हमें अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं प्रयागराज वासियों के लिए गर्व की बात है। जी जी, और पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। प्रयाग वासियों के नहीं, पूरे विश्व में हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। अपने भारत की ख्याति पूरे विश्व में जो है मशहूर है, पूरे विश्व में हमारा भारतवर्ष ये गर्व करता है कि पूरे विश्व के लोग इस धरोहर पे आते हैं। इसका नाम ही संगम है जो लोगों को मिलाने का कार्य करता है। ये कुछ लोगों से अभी हमने आपको रूबरू करवाया, तो ये लोग जो है स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ है, जो कमियां जो है नज़र आई तो लोगों ने अपनी बातें रही, तो कहीं ना कहीं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो यहाँ पर दर्शनार्थी और स्नानार्थी जो यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु लोग जो भी यहाँ पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी बातों को सुनकर जो है वो कुछ सीख लें और सजग रहें, सतर्क रहें, COVID-19 का पालन करते हुए जो है मेला प्रांगण में जो है उपस्थित हों। और किसी भी तरह की
जो अनहोनी होने की जो स्थिति है उससे पहले ही प्रशासन को जो है अलर्ट करने का कष्ट करें, क्यों? सही कहा मैंने? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई ऐसी संदिग्ध जो है चीजें आपको दिख रही हैं या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है तो उससे मतलब कि कोई अनहोनी हो उससे पहले आप लोग प्रशासन को जो है सतर्क होना चाहिए प्रशासन को। चलिए ठीक है। क्या नाम है भाई साहब आपका? आशीष गौतम सर। कहाँ से हैं आशीष जी? यहीं से हैं, लोकल ही हैं। तो आप मेला क्षेत्र में जो है स्नान करने आए हैं? स्नान करके ही चले थे हम। अच्छा अच्छा जी। यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेले को लेकर कोई समस्या कोई दिक्कत जो आपको देखने को मिल रही हो? नहीं, बाकी सही है, सब प्रशासन ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो कैसा है? बहुत अच्छा है सब कुछ। हाँ एकदम बढ़िया। अच्छा आपका क्या नाम है? अमन यादव सर। कहाँ से अमन जी? यहीं से, प्रयागराज से। प्रयागराज से है। कैसा लग रहा है मेला? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेले से लेकर कोई ऐसी समस्या जो आप चाहते हो कि इसका निदान हो या इस समस्या का निवारण हो? नहीं सर, सब हो रहा है सर। ठीक ठाक है। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो सब ठीक ही है सर। सही है ना? यस। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहाँ से हैं? सीधी जिले से। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी आए पहली बार आए? 12 साल से आ रहे हैं। 12 साल से आ रहे हैं। यस। तो मेला कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। मेला की अगर बात करें तो मेले से लेकर कोई समस्या ऐसी कि जो आपको लगता हो किसका जो है निराकरण हो? पर ये दिक्कत है कि प्रशासन दबाव डाले कि सभी मास्क लगाएं और सैनिटाइजर लगाएं। तो प्रशासन तो बार बार कह भी रहा है, आप देख रहे होंगे कि कई जगह जो है माइक के द्वारा अनाउंस किया जा रहा है COVID-19 को लेकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही तो आम जनमानस की है। हम सबकी भी है, पर प्रशासन चालान काटे इनका जन नहीं लगाए रहते। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रक्रिया चालू है। हाँ तो वही करे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज 24। अपने सहयोगी आशुतोष राय के साथ मैं आरके निषाद, दर्शक न्यूज 24।